हमें अपने इमोशंस कैसे हैंडल करने होते हैं। सबसे पहले तो हमें फोकस अपने उन इमोशंस पे लाना होता है जो हमारे बार बार सरफेस पे आ जाते हैं। हमें ये देखना होता है ये जो हमारे इमोशंस हैं कि हमारे किन किन सिचुएशंस में, किन लोगों में या किस जगह पर ये ऊपर आते हैं। आपको सबसे पहले अपना ध्यान इन इमोशंस पे लगाना है, चाहे वो एंगर हो, लव हो, इरिटेशन हो, फ्रस्ट्रेशन हो, सैडनेस हो, या आप एक लोनलीनेस फील कर रहे हो। तो सबसे पहले अपने आप ना है कि ये इमोशंस आपके आ कब कब रहे हैं। उसके बाद आप एक शांत जगह पर बैठिए, बिल्कुल अकेले। शांत जगह का मतलब मेरा हिमालय जाने से नहीं है, शांत जगह से मेरा मतलब है कि आप जहां पे अपने इमोशंस को मॉनिटर कर सके। और ये काम आपको तब नहीं करना है जब आप इन इमोशंस के अंदर होंगे, तब तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि आपको अपने इमोशंस को हैंडल कैसे करना है। जैसे कि जब पानी खलबली मची हुई होती है तो क्या हमें सरफेस दिखाई देता है? नहीं, हमें बिल्कुल सरफेस नहीं दिखाई देता। जब वही पानी शांत होता है, धीरे से जा रहा होता है, तब हमें उसका सरफेस दिखाई देता है ना, कि पानी उस पानी के नीचे क्या है। तो इसी तरीके से जब आप उन इमोशंस में होंगे तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि वो मेरे इमोशंस कहाँ आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं, या किस सिचुएशन में आ रहे हैं, या कभी कभी किन लोगों को देखकर वो आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अपने इमोशंस को पहचानना है कि मेरे ये इमोशंस है कौन से, किन वजह से आ रहे हैं। फिर उसके बाद आपको उनको बैठ के लिखना है तो आप लिख सकते हैं, या आपको विजन बोर्ड बनाना है तो आप विजन बोर्ड बना सकते हैं। जिस तरीके से भी आप फील करते हैं कंफर्टेबल कि आप इमोशंस को रजिस्टर करें, देखें ये मेरे कौन कौन से इमोशंस है, लिख लीजिए उन्हें आप। उसके बाद आप उस सिचुएशन को देखें जिस सिचुएशन में ये इमोशंस आपके निकल कर आ रहे हैं, तो उन सिचुएशंस को भी आप एक बार लिखें। आपको देखना है तो आप सोच कर देख लीजिए, जैसे भी आप कंफर्टेबल फील करते। उसके बाद अगर आपने इन सिचुएशंस को या इमोशंस को रजिस्टर कर लिया, लिख लिया, उसके बाद आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। डीप ब्रीद करिए, पानी पीजिए, अपने आप को बिठाइए, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें अपने इमोशंस को जब रजिस्टर करते हैं तो हमारे अंदर एक तूफान सा आ जाता है। कई बार हमें वो अपने इमोशंस अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो आप डीप ब्रीदिंग कीजिए, आप पानी पीजिए, अपने आप को शांत करिए, बैठिए और सोचिए क्या ये इमोशंस या जो ये हमें इरिटेशन हो रही है ये सामने वाला दे रहा है या हमारे अंदर की है। तो अपने अंदर देखिए, क्योंकि कभी भी कोई भी इमोशन हमें कोई दूसरा नहीं देता, वो ऑलरेडी हमारे अंदर होते हैं। बस ये है कि उन्हें वो दूसरा बंदा एक्सटर्नल का काम करके हिलाकर चला जाता है, पर वो होते हमारे ही इमोशंस हैं। तो उसके बाद आप इन्हें लिखिए, रजिस्टर करिए अपने अंदर, देखिए कि ये इमोशंस मेरे कैसे आ रहे हैं बाहर। फिर आप इन इमोशंस को जब लिख लें, एक बार एक्टिविटी करके देखिए, बोलना है अपने आप को, आई रिलीज, आई रिलीज, आई रिलीज। तो आपने ये आई रिलीज, आई रिलीज, आई रिलीज बोलना है और अपने इन इमोशंस को देखना है, बैठना है उन इमोशंस के साथ। होगा ये थोड़ा मुश्किल काम, क्योंकि हमारे कई ऐसे इमोशंस होते हैं जो हमें खुद ही को अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन हम जब तक उन्हें रिलीज नहीं करेंगे, उन्हें बाहर नहीं निकालेंगे, तो साफ कैसे होगा। जब हम टैप खोलते हैं जो बहुत सालों से बंद होता है, पहले उसमें गंदा पानी बाहर निकलता है, तभी उसके बाद साफ पानी आता है। तो इसी तरीके से पहले अगर हम अपनी क्लेंजिंग करेंगे या अपने बैड इमोशंस रिलीज करेंगे, तो पहले हमारे गंदे इमोशंस बाहर निकलेंगे, हम क्लेंज होंगे, उसके बाद हमारे एक्चुअल सारे इमोशंस बाहर निकलेंगे।